अर्जुन काका सा इतनी रात के जंगल में क्या कर रहे? आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर? जी बाब वो हाँ, हम तो अपने दोस्तों के साथ आए थे ना। दोस्तों के साथ? दोस्त कहाँ है दोस्त? वो तो गाड़ी के पास है। हम पास वाले गांव में ठहरे हुए हैं ना, तो रास्ते में गाड़ी खराब होगी, हमें प्यास लगी थी तो हम पानी ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। तो, पर काका साहब आप इतनी रात गए जंगल में क्या कर रहे? हम कामाक्षी नाम के एक विशेष पेड़ की तलाश कर रहे हैं। कामाक्षी? कहते हैं कि उस पेड़ की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये काका साहब अजीब अजीब से काम करते रहते। आपको मिला वो पेड़? नहीं, पर मिल जाएगा। चलो अब हम घर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। नहीं आप चाहिए वो, हम अपने दोस्तों के साथ आएंगे, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। और काका साहब घर पे किसी को बताएगा नहीं कि हम आपको यहाँ जंगल में मिले थे? ठीक है, नहीं बताएंगे। आपकी उम्र में हम भी यही क्या करते थे। संभाल के जाइए। इसलिए हम जानते हैं कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आपके यहां होने का कारण कुछ और है। प्रीता कहाँ चली गई है? बहुत अजीब लड़की। अर्जुन, अर्जुन, अमृता, अर्जुन, अमृता, अर्जुन, अमृता, अर्जुन, अर्जुन कहाँ चली गई? हम तो आपको ढूंढ रहे थे। पानी लीजिए। यहाँ से घर कैसे जाएंगे? सड़क हमारे गांव तक जाती है, रात भर जाएंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। आइए चलिए। पैदल चलिए ना। हाथ दो। कारण सारी मुसीबतों के बाद भी हम घर तक सुरक्षित पहुंच गए। थैंक यू सो मच। और आपके हिसाब से सारी मुसीबतें हमारी वजह से पैदा हुई थी? वो तो है, फिर भी आपने हमें सुरक्षित घर पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स तो हमें कहना चाहिए, आपने हमारी जान जो बचाई वो भी उस अनजान आदमी से। इसके बारे में अगर हम लोग बात नहीं करें तो वही अच्छा होगा। जो कुछ भी हुआ वो किसी से मत कहिएगा। यहाँ हमारे दुश्मन के बारे में कोई नहीं जानता। नहीं कहेंगे। देखने में सीधी सादी गांव की लड़की, पर इतनी रहस्यमय, पर अजीब सी कशिश है इसमें। देखे तो नजर हटाने का दिल ही नहीं करता। हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश अब ना ही करें तो बेहतर होगा। अब सुनिए, अब जो भी है जैसी भी है, बहुत खूबसूरत
फिर ये चक्कर क्या है? बाबा, सारी रात बीत गई है, हमारी दीदी को वापस भेज दीजिए ना। वो ट्रेन में सो गई थी, इसीलिए आते आते सुबह हो गई। सिर्फ मेरे कहने से कि मुझे त्रिवेणी की बेटी का पता चल गया है, वो मेरी बात का कभी विश्वास नहीं करेगी। पर मैं करूं तो क्या करूं, उसकी बेटी तो उसके साथ ही एक छत के नीचे रह रही है। अगर त्रिवेणी को पता चल गया कि कनक उसकी बेटी है तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कनक को अपने कब्जे में करना होगा। अपनी बेटी को मेरे कब्जे में देखकर त्रिवेणी लाचार हो जाएगी और वही करेगी जो मैं चाहूंगा। वो ना हो, वो तांत्रिक ही होगा। नहीं मौसा, तांत्रिक की सारी शक्तियां तो हमने छीन ली थी, ये जो भी है बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी अलौकिक शक्तियों की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया। इस अनजाने दुश्मन से हमें सचेत रहना होगा। हमारे हाथ से बच के नहीं जा सकते। नागिन के जाल में फंस गए। क्या फायदा इतनी शक्तियां होकर भी अगर वह नागिन हमारे सामने होकर भी हमारे हाथों से निकल जाए। वो मणि हासिल करने का सिर्फ एक जरिया है और वो है नागिन। हमें उस छधारी नागिन हमारा गुलाम बनाना होगा। वो सारे बाबू अब ये लंगूर कहां से आ गया? क्यों सहरी बाबू, देख रहा हूँ आजकल अमृता के घर के कुछ ज्यादा ही चक्कर लग रहे हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात है। चिड़िया उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम, अभी भी अमृता के घर ही जा रहे हो, क्यों है ना? नहीं हाँ, लेकिन एक्चुअली मुझे अमृता। क्या चाहिए अमृता से? नहीं है वो, हम अमृता से नहीं उनकी बुआ से मिलने जा रहे थे। एक्चुअली हमें जड़ी बूटियों के बारे में कुछ पता करना। जड़ी बूटी हैं? अच्छा है। वैसे जड़ी बूटी के बारे में तो हमें भी बहुत कुछ पता है। और कुछ लोगों का इलाज तो हम बिना जड़ी बूटी के ही कर देते हैं। अच्छा जाओ जाओ जड़ी बूटी। अगर अमृता को कुछ भी हुआ तो दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी तुम्हारे लाश तो नहीं कर पाएगी। केशव नाम है हमारा। जाओ जाओ जड़ी बूटी के बारे में। Thank you.
अर्जुन, आप अमृता से अपनी मन की बात कहने तो जा रहे हैं, पर अगर उसे बुरा लग गया तो? अगर उसके बाद उसने हमेशा के लिए तुमसे मिलने से इनकार कर दिया तो? नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे आप यहाँ? जी बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। बहुत अच्छा किया। जी आप सफाई कर रही? नहीं, बस बगीचे से फूल तोड़ रहे थे हम। फूल? आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? दरअसल हम कहना चाहते हैं कि जी वो आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक्स। ये चद्दर भी बहुत सुंदर है। ये? जी, और वो भी बहुत सुंदर है। क्या? जी वो पर्दा। अच्छा वो? अरे आपके हाथ में तो गुलाब का फूल है। जी ये फूल आपके लिए। हमारे लिए? जी ये वो गुलाब का फूल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लोग इसका गुलकंद बना के खाते हैं। मैं भी एक्चुअली हर रोज खाता हूँ। आप खाएंगे? हम गुलाब के फूल खाएंगे। जी एक्चुअली ये गुलाब का फूल हम आपके लिए लाए थे। क्या बात है? आपको पंचायत में बुलाया है। हमें पंचायत में बुलाया है? सरपंच ने कहा है कि बहुत जरूरी काम है और आपको इसी वक्त बुलाया है। मैं तो कहूँ सरपंच जी, गांव में यही सब चलता रहा तुम्हारी छोरियों पे इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ? छोरी ने हिम्मत तो देखो, जिस छोरे के साथ रात भर रही उसी को साथ में लेके आ रही। माफ करना सरपंच जी, कुंवारी लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता है। हाँ चुप रहो, अमृता के बारे में सोच समझ कर बोलना। अरे मारे को सोचने समझने की क्या जरूरत है? सारे गांव ने बदनाम कर दिया उसे छोरी ने। हाँ ये क्या बोल रही हैं आप? एक औरत होकर एक औरत की मर्यादा नहीं समझती? इस लड़की पे आप इल्जाम लगा रही हैं, ये आपकी बेटी की जैसी है। क्या सबूत है आपके पास? ये बच्चलन छोरी ने मारी लड़की बना दे। मारे बेटे ने अपनी आँखों से देखा है अरे वो छोरी के संग यहाँ आते हुए। सरपंच जी, मैं तो कहूँ अभी इसी वक्त ये छोरी ने गाँव से बाहर निकाल के फेंको। अमृता के बारे में बोलने से पहले सोच समझ लो। ये हमारी अमृता पर उल्टे सीधे इल्जाम इसलिए लगा रही है क्योंकि हमारी अमृता ने इसके शराबी बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया था। अरे तुम्हारे छोरे को लड़कियों की कमी पड़ गई है क्या? ऐसी कलंकनी से ब्याह करने से तो अच्छा है मारा छोरा जिंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहे। हाँ। इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। इसके शराबी बेटे को तो अपनी शक्ल तक नजर नहीं आती। हाँ हाँ सरपंच जी, जब गीता के घर पे आग लगी थी तो अमृता ही थी जो बट्ठे जाके गीता की जान बचा के लाई। हाँ हाँ सरपंच जी, यही शहरी बाबू है जिन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई जब सांप ने काटा था। अमृता ऐसी नहीं हो सकती। शांत भाई और बहनों शांत। सुन सितारा, मैं थारे छोरे ते आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। अब जे इसके बाद उसने अमृता के खिलाफ झूठी शिकायत की ना, तो मैं थारे को गांव से बाहर कर दूंगा। गांव की भलाई सोचो और बुराई बाओ।
अरे मारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है बर्बाद करने को। हाँ? अरे हटो अब रास्ता तो दो। हाँ? यहाँ आके तो दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम्हारे गांव की शान है बेटी, पर बेटी जब भी कोई शिकायत करेगा पंचायत तो बुलानी ही पड़ेगी, यो तो हमारा फर्ज है। हमारा हमेशा विश्वास कीजिएगा बुआ साहब, हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप या ये गांव गलत कर। उठो कनक, उठो कनक, मैं त्रिनाद लोक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उठो कनक, उठो कनक, मैं त्रिनाद लोक में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उठो 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 कनक, उठो। चली आओ कनक, चली आओ कनक, हमें बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है, हमें बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। चली आओ कनक, चली आओ कनक। ये हम कहाँ आ गए और कौन सी दुनिया है ये? त्रिवेणी, सो रही हो त्रिवेणी? अब तो सचमुच तुम्हारी बेटी हमारे कैद है, है? अब तो ताम्रपत्र दोगी ना, अब तो ताम्रपत्र दोगी ना। कैसी माँ हो, कैसी माँ हो? तुम्हें अपनी बेटी की, अपनी बेटी की अगर इसे सही सलामत देखना चाहती है तो मुझे ताम्रपत्र दे दो, तो मुझे ताम्रपत्र दे दो। हमारी बेटी है।